क्रांति सेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा द्वारा 29वां विशाल कांवड़ सेवा शिविर रुड़की रोड स्थित आनंद भवन शिव मंदिर प्रांगण में 13 जुलाई से 26 जुलाई तक लगाया जाएगा। कांवड़ सेवा शिविर की तैयारियों के लिए आज क्रांति सेना कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिविर के सफल संचालन के लिए 100 सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक विशेष टीम तैयार की गई। इस अवसर पर क्रांति सेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने कहा कि क्रांति सेना द्वारा आनंद भवन में लगाए जाने वाला कांवड़ शिविर उत्तर भारत का सबसे अधिक दिन तक लगाए जाने वाला कांवड़ सेवा शिविर है, जिसमें 24 घंटे शिव भक्त कांवड़ियों की निःशुल्क सेवा की जाती है। वह दोनों समय चाय, नाश्ता, भोजन आदि की व्यवस्था व उनकी चिकित्सा की भी विशेष सुविधा रहती है। श्री शर्मा ने बताया कि इस बार शिविर में निशुल्क मास्क व सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रखी गई है। इस दौरान मुख्य रूप से क्रांति सेना के प्रदेश महासचिव मनोज सैनी, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष मुकेश त्यागी, जिला उद्योग व्यापार सेना के जिला अध्यक्ष आनंद प्रकाश गोयल, महानगर अध्यक्ष देवेंद्र चौहान, युवा जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी, जिला महासचिव राजेश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष गौरव गर्ग, जिला सचिव नरेंद्र ठाकुर, आलोक अग्रवाल, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा नेहा गोयल, युवा नगर अध्यक्ष आशीष मिश्रा, नगर महासचिव बसंत कश्यप, नगर उपाध्यक्ष जितेंद्र गोस्वामी मंगतराम, युवा नगर उपाध्यक्ष शंकी शर्मा, क्षेत्र प्रमुख उज्जवल पंडित, भुवन मिश्रा, ग्राम प्रमुख ललित रोहेला, शैलेंद्र शर्मा, बॉबी शर्मा, सोनू कश्यप, राजेंद्र तयल, विपुल गर्ग, राहुल शर्मा आदि। आज जो हमारा हर वर्ष कांवड़ सेवा शिविर लगता है, उसको लेकर आज जिला कार्यकारिणी और जो हमारे संगठन के प्रमुख पदाधिकारी है, उनकी बैठक यहाँ बुलाई गई है। इसमें कांवड़ सेवा शिविर की सफलता और उसके सफल संचालन की रणनीति तय हुई है। क्योंकि आप सब जानते हैं, जो आनंद भवन में हमारे द्वारा जो शिविर लगाया जाता है, वो सबसे पहले लगता है और सबसे अंत तक चलता है, जिसमें शिव भक्तों की सेवा के लिए निःशुल्क भोजन, जलपान, चिकित्सा आदि की व्यवस्था रहती है और जनता का भी इसमें योगदान रहता है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के 24 घंटे सहयोग के कारण यह कांवड़ सेवा शिविर लगभग 15 दिन तक शिव भक्तों की निःशुल्क सेवा करता है। क्रांति सेना का ये कांवड़ सेवा शिविर 13 जुलाई से शुरू होगा गुरु पूर्णिमा के दिन, और ये 26 जुलाई शिवरात्रि वाले दिन समापन इसका होगा, और ये अपने पूर्व निर्धारित स्थल आनंद भवन रुड़की रोड शिव मंदिर पर इसके आयोजन का निर्णय हुआ है। अध्यक्ष जी, इसमें एक विवाद पैदा हो रहा है, शिवसेना कह रही है कि हमारा शिविर यहाँ पे लगता है, इस मामले में एडीएम से भी मिले थे, वे कह रहे हैं कि हमेशा से उनका शिविर लगता है, लेकिन इस बार क्रांति सेना अपने शिविर लगाने के लिए बात कर रहे हैं, क्या विवाद है क्या? दरअसल ये शिविर सेवा शिविर जो है 29 साल से हम ही लोग लगाते हैं, और ये शिवसेना के लिए ये हम लोग लगाते हैं, फिर ललित मोहन शर्मा के नाम से इसकी अनुमति मिलती रही है। अब चूंकि शिवसेना का ना कोई कांवड़ सेवा शिविर इस बार लगा है, वो तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके बस का पहले आप उसमें जिलाध्यक्ष थे, लेकिन शिवसेना के बता रहे थे शिवसेना के नाम से शिविर लगता था, आपके नाम से नहीं लगता था। शिवसेना का तो चूंकि मैं जिलाध्यक्ष था और शिवसेना की उसमें भागीदारी होती थी, तो इसलिए वो शिवसेना के बैनर लगते रहे हैं, लेकिन उसकी अनुमति इंडिविजुअल हमारे नाम से होती थी, ललित मोहन शर्मा और जिलाध्यक्ष के नाम से उसकी तैयारी होती थी, और वहाँ क्रांति सेना का ही लगेगा शिविर, इसके अलावा किसी अन्य संगठन का ना वहाँ लगेगा, ना हम शुरू लगने देंगे। थैंक यू।